आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हम जानते हैं कि आज इस कार्यक्रम का आप इंतजार कर रहे थे प्रभु की आशीषें बटोरने के लिए और प्रभु की समझ। यस, वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे यशाया 53 उसके 4 और 5 अध्याय से। और ये वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये हमें बताता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा हुआ, कूटा हुआ और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। दोस्तों, अगर आज आप भी किसी बीमारी की जकड़ में हैं, तो आप जानें कि प्रभु यीशु मसीह में हम चंगाई पाते हैं। वो क्रूस पर आपके और मेरे गुनाहों के लिए कुर्बान हो गए और उनके कोड़े खाने से हम अपने पापों से और अपनी हर बीमारी से छुटकारा पाते हैं। रेबेका, ये बाइबल वर्स जब भी मैं पढ़ता हूँ तो इसमें मुझे आदान प्रदान नज़र आता है कि हमने प्रभु को अपने पाप दे दिए, प्रभु ने हमारे पाप ग्रहण कर दिए और अपनी धार्मिकता राइचसनेस हमें दे दी। बिल्कुल, बहुत ही प्यारा आदान प्रदान है। और इस आदान प्रदान में जो पाप है उसकी वजह से काफ़ी सारी हमें सिचुएशंस में हम पड़ जाते हैं, पीड़ाओं में पड़ जाते हैं, परेशानियों में पड़ जाते हैं, मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, इवन फिजिकल बीमारियां भी कभी कभार हो जाती हैं। एंड मैं ये जानता हूँ, समझता हूँ कि प्रभु में वो सामर्थ है कि हमें इन सब चीज़ों से नजात दे सकता है, फ्रीडम दे सकता है। जी बिल्कुल दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आज आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, शायद मानसिक बीमारी, शायद शारीरिक बीमारी, किसी भी बीमारी से अगर आप गुजर रहे हैं, तो आप प्रार्थना को अपने जीवन में मौका दें और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को अपने जीवन में आप अनुभव करें। जी, और दोस्तों, इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं गाजियाबाद के रहने वाले अमल राज से। 30 साल की उम्र में ये ऐसी बीमारी से गुजरे जिसकी वजह से ये खड़े नहीं हो पाते थे। डॉक्टर्स भी इन्हें स्वस्थ करने में असहाय महसूस कर रहे थे। आइए देखें कि फिर क्या हुआ। अमल राज की ये बहुत ही सुंदर कहानी आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर चीजो जॉ। मैं चेन्नई से हूँ और मैं 20 साल पहले उत्तर भारत आया था। शादी के बाद हमारी जिंदगी अच्छी चल रही थी क्योंकि मेरी पत्नी प्रियंका गर्भवती थी और सब कुछ ठीक था। लेकिन तभी मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि मैं आरामदायक नहीं हूँ। एक दिन सुबह जब मैं बिस्तर से उठा तो मुझे अपने पैरों पर संतुलन बनाने में परेशानी हुई। मेरे पैरों में जान नहीं थी कि पैर मुझे संभाल सके। मैं फिसल गया और नीचे गिर गया। मैं सोच रहा था कि जो हुआ वो अस्थाई हो सकता है। फिर वहां से मैं डॉक्टर के पास गया और उनसे सलाह ली। उन्होंने मुझे MRI स्कैन, कुश तंत्रिका परीक्षण और कई अन्य परीक्षण करवाने को कहा, लेकिन फिर भी वे ये पहचानने में असमर्थ थे कि वास्तव में समस्या क्या है। लेकिन एक बड़े सर्जन ने मुझे बताया कि वे मेरी रीढ़ की हड्डी को काटेंगे, उसे खोलेंगे, नस को बाहर निकालेंगे और फिर हड्डी को वापस लगा देंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक प्रक्रिया है, कि हम आपका ऑपरेशन तो कर देंगे लेकिन हमें यकीन नहीं है कि आप फिर से चल पाएंगे। आप जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त भी हो सकते हैं। मैं सोच रहा था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। हर रोज मैं रो रहा था। हर दिन अपने बिस्तर पर मैं प्रार्थना कर रहा था, क्या मैं चल पाऊंगा, क्या मेरे लिए कोई भविष्य है, क्या मैं उस समय अपने बेटे या बेटी के साथ खेल पाऊंगा या नहीं। ये सोचकर मैं बहुत उलझन में था। मुझे अपनी बुनियादी चीजें करने, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए लोगों की मदद की जरूरत थी। ये बहुत भयानक था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे मेरा जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म होने जा रहा है। मैंने परमेश्वर से पूछा कि आपने मुझे ये क्यों होने दिया। मैं लगभग 1 साल से इस दर्द से गुजर रहा था। मैं अपने जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में इस संघर्ष से गुजर रहा था। इस विशेष घटना से पहले मैंने महसूस किया कि भले ही मैं बाइबल के वचन पढ़ता था, लेकिन मेरे जीवन में उनके अर्थ की समझ में कमी थी। समय के साथ जब मैं इन सब चीजों से गुजर रहा था, तब मुझे इसका एहसास हुआ। परमेश्वर ने मुझे ये अनुभव इसलिए दिया ताकि मैं उन लोगों का दर्द समझ सकूं।
जो इसी तरह की कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने मेरे हृदय में लोगों के लिए प्रार्थना करने का बोझ डाल दिया। एक दिन मेरे ब्रदर इन लॉ जो एक पास्टर हैं, वो हमारे घर आए और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। उसके बाद उन्होंने कहा, चलो एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास चलते हैं, और मैं उनके साथ चला गया। मैं इस वचन को थामे रहा, परमेश्वर चंगा करेंगे। यशायाह 53:5, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। इसलिए परमेश्वर ने हमें कलवरी के क्रूस पर सब कुछ पहले ही पूरा कर दिया है। उसके लहू के कारण ही वो कलवरी के क्रूस पर मेरी ढाल है, और उसी लहू ने मुझे चलने में सहायता की है। ये सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट की वजह से नहीं था, ये वो आशा थी जो मेरे पास थी। वहाँ 15 दिन तक जाते रहने के बाद परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, और मेरे जीवन में इसका उद्देश्य ये समझना है कि व्यक्ति किस दर्द और चुनौती से गुजरता है, और मैं जिस परिस्थिति से गुजरा हूँ उसके कारण आज प्रभु का आनंद मेरे हृदय में है, और मैंने समझा है कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। मेरा परमेश्वर कुछ भी बदल सकता है, और वो आपको वापस पटरी पर ला सकता है। आपको बस इतना करना है कि आप परमेश्वर पर निर्भर रहें, क्योंकि इन 14 वर्षों में मैंने यही सीखा है। अपने आप पर निर्भर न रखें, परमेश्वर पर निर्भर रहें। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, परमेश्वर आपको थाम लेगा। परमेश्वर मुझे हर दिन ये सिखा रहे हैं कि कैसे आनंद में रहना है, शांति में रहना है, और उनकी उपस्थिति का आनंद लेना है। दोस्तों, वचन में हम पढ़ते हैं that with God all things are possible. साइंस भी कुछ हद तक आकर के रुक जाती है, इंसान भी लिमिटेड फील करता है, लेकिन जब परमेश्वर कार्य करते हैं तो वो नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। जो हमने अमल के जीवन में देखा कि बिना सर्जरी के वो बिल्कुल ठीक है, एक तंदुरुस्त जीवन जी रहे हैं, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और थैंक यू सो मच कि आपने अपनी कहानी हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ एक नई जिंदगी में शेयर की। जी हाँ, वाकई में नामुमकिन को मुमकिन करता है प्रभु। प्रिय दोस्तों, जब हम बात करते हैं बीमारी की, तो हमारी समझ हमेशा ये रहती है कि शारीरिक बीमारी, मगर हो सकता है कि मानसिक बीमारी भी हो, और इन दोनों किस्म की बीमारियाँ जो हैं उन सबको हम प्रभु के पास ला सकते हैं। एक मुझे प्रभु की दिए गए वचन से एक कहानी याद आ रही है, जो प्रभु के साथ सामने एक घटना हुई थी और प्रभु ने उसको कैसे डील करा था। आइए देखते हैं प्रभु के वचन से। मरकुस 2:4-5 तक प्रभु का वचन में ये लिखा है, किंतु भीड़ के कारण वो उसे यीशु के पास नहीं ले जा सके, इसलिए जहाँ यीशु था उसके ऊपर की छत का कुछ भाग उन्होंने हटाया, और जब वो खोद कर छत में एक खुला सुराख बना चुके तो उन्होंने जिस बिस्तर पर लकवे का मारा लेटा हुआ था उसे नीचे लटका दिया। उनके इतने गहरे विश्वास को देखकर यीशु ने लकवे के मारे से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। दोस्तों, आपने वचन से देखा कि दोस्त जो थे प्रभु के पास अपने मित्र को नहीं ले जा पा रहे थे जो लकवे से पीड़ित था, और उनके मन में तो यही विचार आया होगा कि प्रभु देखेंगे, चंगा कर देंगे और चलता बनेगा। मगर उनका विश्वास इतना पुख्ता था कि रास्ता बनता कुछ जरिया नहीं था प्रभु के पास जाने का। वो छत पे चले जाते हैं और किसी दूसरे के घर की छत को तोड़ देते हैं। हो सकता था बाद में, या हुआ भी होगा, कि जिसका घर था उसने उनको पकड़ा होगा, कहा होगा कि तुम मेरी छत को रिपेयर करके दो। ये सब चीज़ें भी हो सकता हुई होंगी। मगर आप देख रहे हैं इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं, कि जो लोग बीमार हैं, जो लोग परेशानी से गुजर रहे हैं, उनका पक्का विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और दूसरी चीज़ प्रभु यीशु मसीह जानते हैं उनका विश्वास है, जानते हैं क्या बीमारी है, क्या चीज़ दिखती है, मगर ही हैज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट टू डील विथ, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो प्रायोरिटी के बारे में जानते हैं। तो दो चीज़ें, विश्वास एंड प्रायोरिटी। तो पहली चीज, उन लोगों का विश्वास प्रभु पे बहुत स्ट्रांग था, और दूसरी चीज, प्रभु जानते थे क्या चीज की प्रायोरिटी है जो बीमार आदमी को प्रभु को चंगा करना है, और प्रभु ने सबसे पहले उसको उद्धार दिया, सबसे पहले उसको एक नई जिंदगी दी, सबसे पहले पाप से निजात दी। और प्रभु की सामर्थ्य की बात है तो प्रभु ने तो कहा तुम चल खड़े हो गए, और उसको उठाकर चला भी दिया प्रभु ने लकवे मारे हुए को। तो मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर आज किसी भी बीमारी में हैं, या कोई बीमारी को सह रहे हैं, या आपके प्रियजन देख रहे हैं, या दोस्त गण में हैं, हो सकता है कैंसर हो सकता है कि कोई एक ऐसी बीमारी हो जिसका कोई इलाज नहीं है, हो सकता है कि कोई क्रॉनिक बीमारी है,
हो सकता है कि बच्चा नहीं हो सकता है, हो सकता है अलग अलग किस्म की बीमारियां से आप ग्रस्त हों, विश्वास रखें कि प्रभु के पास आप आ सकते हैं, प्रभु के पास सामर्थ्य है बीमारी का इलाज करने का, मगर वो समझ आप प्रभु के ऊपर छोड़ दें, वो विश्वास प्रभु के ऊपर छोड़ दें कि प्रभु अपनी इच्छा से उस बीमारी का इलाज करेगा, मगर प्रभु प्रायोरिटी का ध्यान रखेगा उस व्यक्ति का उद्धार। तो प्लीज रिमेंबर द प्रायोरिटीज, पहली चीज विश्वास, दूसरी चीज प्रभु की प्रायोरिटी पे विश्वास करना सीखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इससे आशीष पाया होगा और आप भी प्रभु में प्रार्थनाओं में बने रहेंगे। जी और दोस्तों, प्रार्थना में बने रहने के लिए हम आपकी सहायता करना चाहेंगे। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें, आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। ऑल इंडिया प्रेयर लाइन नंबर 9910404010 पर हमें आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा, तो आप जल्द ही हमसे संपर्क करें। दोस्तों, अब समय होगा कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब हम प्रार्थना के लिए मिलेंगे सोफिया से और पास्टर दीपक मसीह चर्च ऑफ गॉड लखनऊ से। तो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक दोस्तों। बीमारी या किसी भी तरह की शारीरिक कमी हमारे जीवन में दुख और कष्ट ला सकती है। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में हम परमेश्वर को मौका दें, हम प्रार्थना को मौका दें, और परमेश्वर वो सामर्थ्य रखते हैं कि हमें हर बीमारी से वो बाहर ला सकें। और इस समय भी हम यही करेंगे। इंडिया, ऑल इंडिया प्रेयर लाइन में हम सोफिया और पास्टर दीपक मसीह चर्च ऑफ गॉड लखनऊ के जो पासवान हैं उनके साथ जुड़ेंगे और वो लोग हमें प्रार्थना में लीड करेंगे। शायद आज आप किसी ना किसी बीमारी से संघर्ष कर रहे होंगे, प्रार्थना में हम प्रभु के सामने इस बीमारी को, इस संघर्ष को रखेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल इंडिया प्रेयर लाइन में स्वागत है। स्वास्थ्य एक बहुत अच्छी चीज है। स्वास्थ्य सही हो तो जीवन आसानी से बीतता है। जहाँ स्वास्थ्य बिगड़े वहाँ पीड़ा शुरू। तो अगर आप अस्वस्थ हैं तो आज की प्रार्थना खास आपके लिए है, अंत तक जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं पास्टर दीपक मसीह से जो चर्च ऑफ गॉड के पास्टर हैं। वेलकम पास्टर। थैंक यू सो मच सोफिया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। प्रभु जी, हम खासतौर से उन लोगों के लिए प्रार्थना में आते हैं जो लोग आज स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि आप आज इस वक्त में प्रभु उनके स्वास्थ्य को सही करेंगे, उनके जीवन को बेहतर करेंगे, ताकि उनका जीवन और उनका स्वास्थ्य बेहतर बनता चला जाए। हम विनती करते परमेश्वर पिता, आप हमारी सहायता करें, प्रभु उनकी सहायता करें जो इस समस्या, इन समस्याओं से जूझ रहे हैं और समस्या में होकर के चल रहे हैं। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमेन। पास्टर, आई विल रिक्वेस्ट यू कि जो अभी अस्वस्थ हैं उन व्यूअर्स के लिए प्लीज कुछ बाइबल वर्सेस भी शेयर करें जिससे वो हिम्मत पा सकें। परमेश्वर का वचन बताता है यिर्मयाह की पुस्तक उसके 29वें अध्याय उसकी 11वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जो योजनाएं हमारे लिए बनाई हैं वो योजनाएं बेहतर हैं और वो योजनाएं हानि की नहीं हो सकती हैं। तो परमेश्वर उस अवस्था में भी जब हम अपनी समस्याओं में, स्वास्थ्य के शारीरिक समस्याओं में होकर के या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में होकर गुजरते हैं, प्रभु हमारे साथ रहता है। सोफिया, थैंक यू फॉर एनकरेजिंग अस पास्टर। एंड विद दैट, चलिए क्यों ना हम उन्हीं दर्शकों के लिए प्रार्थना भी करें। बिल्कुल सोफिया, आइए हम प्रार्थना करेंगे, उन लोगों को परमेश्वर के सामने रखेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके पास आते हैं। प्रभु जी, आप दया के सागर हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु जी स्वास्थ्य की वजह से बहुत चिड़चिड़ेपन में जीवन व्यतीत करते हैं, अपने आप को बहुत कमज़ोर पाते हैं। परमेश्वर पिता, कई मरतबा तो ऐसा होता है कि वो अपने आप को अकेला पाते हैं। हम विनती करते हैं प्रभु जी कि आप अपने हाथ को बढ़ाइए, क्योंकि आपका वचन हमें सिखा रहा है प्रभु कि आपकी जो योजनाएँ हैं हमारे जीवन के लिए वो बहुत बेहतरीन
बेहतरीन है, बहुत उत्तम है और परमेश्वर पिता आप किसी को भी बिखरने नहीं देते हैं। प्रभु हम विनती करते हैं उन लोगों के लिए जो आज इन समस्याओं से होके गुजर रहे हैं, पिता आप उन पर दया कीजिए, अपना अनुग्रह कर दीजिए ताकि उनके जीवन में एक नयापन आ जाए। पिता हम विनती करते हैं परमेश्वर आप दया कीजिए प्रभु, ताकि वो उठ करके खड़े हों और आपके नाम को महिमा मिले, उनका जीवन संवर जाए, उनके जीवन में एक उजाला आए प्रभु और वो परमेश्वर पिता एक नई रोशनी को देखने पाए। पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं एक नई जिंदगी उनके जीवन में दिखाई देने पाए। प्रभु दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और परमेश्वर आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, बस यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमेन। थैंक यू फॉर प्रेइंग विद अस पास्टर। दोस्तों आप अकेले नहीं हैं, प्रार्थना में बहुत सामर्थ है और आप हमारे ऑल इंडिया प्रेयर लाइन टीम के साथ प्रार्थना में साथ भी पा सकते हैं। कॉल ऑन द नंबर टुडे 99 10 40 10 10। अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे और खास आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो आप अपने बच्चों के साथ जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए आप एक नई जिंदगी के होस्ट के साथ हमारे आगे का शो देखते रहें, अभी बहुत कुछ बाकी है। टिल देन बाय एंड टेक केयर। परमेश्वर आपके साथ में हो, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सोफिया एंड थैंक यू पास्टर दीपक मसीह, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें इंकरेज किया परमेश्वर के वचनों से और आपने खास हमारे लिए प्रार्थना भी की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और दोस्तों हमने जाना है कि प्रार्थना में सामर्थ है, हमें प्रार्थना को मौका देना है, प्रार्थना के द्वारा हमें परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करना है। तो प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर हमें ऑल इंडिया प्रेयर लाइन पर कॉल करें, हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। दोस्तों समय होगा कि हम छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज शुक्रवार है, शुक्रवार को हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु को और खास तौर से शुक्रिया शुक्रवार के मैसेजेस भी पढ़ेंगे। सो प्लीज स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। क्या आपके घरेलू रिश्तों में तनाव है? क्या आप बीमारी की जकड़ में हैं? क्या आपके बच्चे परेशान हैं या फिर आप हो सकता है अकेलेपन से परेशान हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि हर बार दोष आप ही का है? इन सारे विषयों के लिए हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप अभी ऑल इंडिया प्रेयर लाइन की टीम को कॉल करें, द नंबर इज 99 10 40 10 10। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में पीड़ा से गुजरते हैं, खासकर जब वो पीड़ा किसी बीमारी की वजह से हमारे जीवन में आती है, तब हम जाने कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं और परमेश्वर वो सामर्थ रखता है कि हमें उस बीमारी से छुटकारा दे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि परमेश्वर की इच्छा होती है कि शायद हम उस बीमारी में रहें, बट वी शुड गो थ्रू दैट सिकनेस और परमेश्वर का अनुग्रह हम उस समय में एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक जैसे ही पौलुस ने बोला था कि उसके देह में एक कांटा लगा हुआ था, थॉर्न था, मगर प्रभु ने बोला कि वो पीड़ा को सहो, मगर आई विल गिव यू ग्रेस टू गो थ्रू दैट सफरिंग। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रभु की अनुग्रह उस पीड़ा से कहीं ज़्यादा बढ़कर कंफर्टिंग होगा और एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा आपके लिए जिसमें आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। और दोस्तों आज है शुक्रवार, तो आज समय है कि हम पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए शुक्रगुजारी के मैसेजेस और मैसेजेस जिनमें आप हमें बताते हैं कि किस तरह एक नई जिंदगी प्रोग्राम आपके जीवन में काम कर रहा है, आशीष लेकर आ रहा है। सो फ्रेंड्स इट्स टाइम फॉर शुक्रिया शुक्रवार। आइए देखते हैं इस मैसेज को और हमारी जो दर्शक हैं वो कह रही हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को और CBN टीम को इस प्रोग्राम को लाने के लिए। आप इतने सालों से हमारे लिए अच्छी और सच्ची कहानी को लेके आ रहे हैं। मैं 5 साल से इस प्रोग्राम से जुड़ी हूँ और आपके प्रोग्राम के द्वारा मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। डियर फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज, दिस इज सो इनकरेजिंग। बहुत अच्छा लगा ये जान के कि एक नई जिंदगी प्रोग्राम आपके जीवन में काम कर रहा है, आप परमेश्वर के निकट आ रहे हैं और आशीष पा रहे हैं। आइए दोस्तों हम एक और मैसेज देखते हैं, हमारे YouTube व्यूअर क्या बोलते हैं। थैंक यू ब्रदर मानव एंड सिस्टर रेबेका फॉर प्रेजेंटिंग द एपिसोड्स ऑन एडिक्शन थ्रू आउट द मंथ, इट वाज अ ग्रेट ब्लेसिंग एंड अ बिग हेल्प, गॉड ब्लेस यू
CBN team. Thank you so much for not only encouraging us, but आपने आशीष पाई इस एपिसोड के द्वारा. हमें उम्मीद है कि प्रभु को महिमा मिली होगी. जी दोस्तों, इसी तरह आप अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहें और आपके मैसेजेस से हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है. हमारा हौसला बढ़ता है कि हम इस प्रोग्राम को इसी तरह आपके लिए हर सुबह लाते रहें और आप और हम मिलकर परमेश्वर के निकट आते रहें. समय है कि हम देखेंगे कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या सिखा रहा है. अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए. यूहन्ना 16:24. आप नोटिस करिए कि प्रभु बोल रहे हैं कि मेरे नाम से. प्रभु का नाम बहुत सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह का नाम. प्रभु यीशु मसीह के नाम जो है असंभव को संभव करने के लिए योग्य है. और प्रभु कहता है मेरे नाम से मांगो. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रोत्साहन पाया होगा और आज एक स्पेसिफिक प्रेयर रिक्वेस्ट भी आपकी पूरी हुई होगी. किस तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु के नाम से प्रार्थना कर सकते हैं. जी और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने हम बहुत सारी चिल्ड्रंस क्वायर को सुन रहे हैं और बच्चे जब प्रभु के लिए गीत गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. और आज दोस्तों हम सुनेंगे ये गीत, इट्स अ ग्रेट थिंग टू प्रेज द लॉर्ड, इंडीड इट इज. और ये गीत हमारे लिए गा रही है सेंट उर्सुलास स्कूल की स्टूडेंट क्वायर. तो आइए इस गीत से हम आशीष पाए. थैंक यू वेरी मच क्वायर इस गीत के लिए. और इस गीत को सुनते सुनते हमने याद किया कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हम जाने कि अपनी पीड़ा में भी, बीमारी में भी ये भला होगा कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें. दोस्तों, आज का इस एपिसोड में हमने जाना कि प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाएं सुनता है. प्रभु की प्रार्थनाओं का जवाब एक निजात में होता है. सबसे पहला निजात, प्रभु हमें अपने राज्य में बुलाता है और प्रभु की जब इच्छा है तो हमें बीमारी से चंगाई देता है. अगर बीमारी से चंगाई में अगर हमें जो इंसानी समझ है उस इंसानी समझ से चंगाई नहीं मिलती है तो हमें अनुग्रह देता है, ग्रेस देता है उसमें चलने का. आज हमने ये देखा अमल राज की जिंदगी से, प्रभु के वचन से भी देखा. और मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप इससे आशीषित हुए होंगे, प्रभु में धैर्य में बढ़ेंगे और प्रभु में आप प्रार्थनाओं में आगे चलते रहेंगे. जी दोस्तों, आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में जाने, यही हमारी प्रार्थना है आप सबके लिए. समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे यही कालस चैनल पर सुबह 6:30. आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा और इस थीम को हम आगे बढ़ाएंगे. एंड अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स. नमस्कार. Do you
She said,